अरे बस करो यार, छोड़ो यार, बस करो, बस करो, बस करो, इसको बस करो, दो मिनट रुक, चलो चलो, धक्का मत दो, आप मैडम बाहर निकलो, एक मिनट बाहर निकलो, नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा सा मीडिया वाले इस राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं, साथ साथ इंडिया की राजनीति को जो इस पर सियासत हुई है, क्या आप किस तरह से देखते हैं? हम उसमें सियासत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने भारत का संविधान देखा, अगर आपने भारत का संविधान देखा तो संविधान के पहले कलम पे उन्होंने इंडिया दैट इज भारत ये लिखा है, तो इंडिया और भारत कुछ अलग नहीं है। हमारे पार्टी के लिए तो भारत ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, क्योंकि भारत जैसे आज भारत जोड़ो बोल रहे हैं, ब्रिटिशों को भारत छोड़ो ये पहले कांग्रेस ने दिया था, भारत जोड़ो यात्रा हमने राहुल जी ने तैयार की थी, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारा स्लोगन इस चुनाव का है, जुड़ेगा भारत इंडिया जीतेगा। इंडिया ब्लॉक जो बना है तब से इनसिक्योर हो गए, बौखला गए हैं, उनको लगता है इंडिया का नाम हम हमारे से मुंह से नहीं ले, लेकिन इंडिया और भारत एक ही है, वो समझ नहीं रहे हैं। कांग्रेस की आज बैठक हुई है दिल्ली के अंदर, क्या कांग्रेस इसमें सत्र में ज्वाइन करेगी? बिल्कुल ज्वाइन करेंगे हम सब, कल ही हमारी मीटिंग हुई कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता के इसमें दस जनपद में, तो हम सब ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले सोनिया जी ने आज एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री जी को, जो तय हुआ था कि ये इसका मकसद क्या है, आपका जो स्पेशल सेशन जैसे 97 में बुलाया गया था, 50 साल पूरे हो गए थे इसलिए बुलाया गया, तो इसका सेशन का मकसद क्या है वो स्पष्ट करें, संसद में क्या क्या आप मुद्दे चर्चा करने वाले हो, क्या बदलाव करने वाले हो, वो हमारे सामने लाए। आर्टिकल 370 की जो जजमेंट है उसको रिजर्व किया गया है, अब क्या उम्मीदें क्या है? अभी वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्या हम कर सकते हैं, हैव टू वेट एंड वॉच। अलायंस की जो बात है, क्या यहां पे इंडिया का अलायंस हो रहा है यहां पे लोकसभा सभी जगह पे, क्योंकि फारूक साहब, अब्दुल्ला साहब भी आए थे, उमर साहब भी आए थे, महबूबा मुफ्ती जी भी आई थी, और बाकी जो यहाँ की लोकल पार्टी थी वो भी आए थे, और सभी का एक मसूदा होगा, और जहाँ पे जो जीत सकता है वो हम कैंडिडेट देंगे, 1:1 बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट होगा। हमारे लोग इसमें लगे, हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग श्रीनगर में हुई थी, इसमें हमने ये मुद्दा लिया था, और उसके बाद में हमारे सभी प्रदेश के हमारे अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट है, बार बार इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के युवा साथी सभी लोग इसके लिए आंदोलन करते जा रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर की योजना जो है जिससे जनता की लूटमार हो रही है। वन नेशन वन लेशन में आज से दिल्ली के अंदर बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता जो है जिक्र करें रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं, और इस बैठक को वन नेशन वन इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन इसके जो कमिटी की है उसका वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी है, क्योंकि उसमें कोई भी अलग पार्टी दिखाई नहीं देगी, उसमें हमारे यहाँ से जो आपके आजाद साहब थे उनको लिया गया है, जो भूतपूर्व एलओपी थे, लेकिन आज के जो हमारे एलओपी है उनको नकारा गया है, उनको नहीं लिया, इसलिए हमने सबने बायकॉट कर दिया। नहीं, हमें उनको लेने से कुछ नहीं है, इसमें हम जो बोल रहे थे वो स्पष्ट हो रहा है कि आजादी से बीटी ऑफ जब ये भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट कर रहे हैं वो।